खबर शुभी लाइव, आपकी खबर तेजसर। ब्लॉक की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे भाजपाई, आज दिन भर बीजेपी नेताओं के दबाव में पुलिस ने दिखाया तांडव। सपा जिला अध्यक्ष को पर्चा खरीदने से पहले कर लिया अरेस्ट। जिस बीडीसी के किडनैप पर हुआ पूर्व विधायक पर एफआईआर, वो बीडीसी आज खुद एएसपी से मिलकर बताया फर्जी अफवाह। बनकटी ब्लॉक से रमेश बहादुर सिंह बीजेपी से बागी हो उतरे मैदान में। पूरे जिले में ब्लॉक का राजा बनने के लिए भाजपाई कर रहे हैं जोर आजमाइश। जिला पंचायत के चुनाव में अब सत्ता का रौब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथियाने के लिए बीजेपी के नेता हर हथकंडा अपना रहे हैं। आज दिन भर प्रमुख का चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेताओं ने पुलिस और प्रशासन के बल पर अपनी हनक दिखाई। कहीं सपा के जिला अध्यक्ष को ही पुलिस ने पर्चा खरीदने जाते समय रास्ते से उठा लिया, तो कहीं बसपा के पूर्व विधायक पर बीडीसी के अपहरण के दर्ज केस में नया मोड़ आ गया। और अपहरत बीडीसी खुद अपने अपहरण की फर्जी सूचना को फर्जी करार देते हुए एएसपी से मिलने पहुंच गए। इतना ही नहीं, बनकटी ब्लॉक का प्रमुख बनने के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे नेताजी अब बागी हो गए और बीजेपी को घोषित कैंडिडेट के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा रामनगर ब्लॉक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल के करीबी आनंद बहादुर पाल और उनके साथी अमरुल्ला को सत्ता के दम पर बीडीसी संतराम के अपहरण की सूचना पर थाने में बैठा लिया गया। जबकि बीडीसी ने खुद अपने आप को सुरक्षित बताते हुए वीडियो जारी किया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। ब्लॉक का राजा बनने के लिए बीजेपी के नेता इस बार किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को पर्चा खरीदने से रोकने के लिए सत्ता का सहारा ले रहे हैं। आज दोपहर में जब सपा के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव बहादुरपुर ब्लॉक पर पर्चा खरीदने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनके काफिले को रोककर गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सपा नेता और पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक नंदू चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता डीएम से मिलने ऑफिस पहुंचे। एक घंटा खड़ा रहने के बाद डीएम ने सपाइयों से मुलाकात नहीं की। कुछ देर बाद डीएम ने अपने आवास पर सपा पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को मिलने को बुलाया, जिसके बाद भी मामले का निस्तारण नहीं हुआ और सपा जिला अध्यक्ष को रिहा नहीं किया गया। वहीं बनकटी ब्लॉक पर 15 साल से अपना कब्जा जमाए बैठे बीजेपी नेता रमेश बहादुर सिंह ने बीजेपी से बगावत कर दी और बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ ही पर्चा खरीद कर लड़ाई को रोचक बना दिया है। रमेश बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें पर्चा दाखिल करने के लिए सुरक्षा दी जाए, क्योंकि विरोधी उन्हें रोक सकते हैं। इसके अलावा सपा नेता और पूर्व विधायक दूधराम पर कल जिस बीडीसी के उपहार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, आज वो खुद एसपी से मिलने पहुंचा और कहा कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। कि तुम्हारे तरफ से, परिजनों की तरफ से एफआईआर कल कराई गई है पूर्व विधायक पे? नहीं, हमें कोई मतलब कोई मैं ठीक ठाक हूँ, कोई किडनैप नहीं किया है, मैं लेकिन अपने घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। कहाँ थे अभी तक आप? अभी तक रिलेशन में था। परिजनों को क्यों नहीं बता पता था ये बात आपके? आपने नहीं बताया? नहीं, हमने बताया नहीं, तो इस मिशन को घूमने के लिए। तो उन्होंने जब एफआईआर करा दी है तो क्या वो खुद यहाँ मिल के बताने आया? ये बताने आया कि हमें कोई किडनैप नहीं किया था, हम स्वयं ठीक ठाक है। कैसे मिले हैं आप यहाँ पे? और क्या बातचीत हुई? बहादुरपुर ब्लॉक में पर्चा, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव चल रहा है उसमें पर्चा वहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा। वहाँ भारी भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के सह से वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पर्चा नहीं मिल पा रहा। उसी उपलक्ष्य में, उसी संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम लोग आए थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम एसडीएम को कहते हैं, एसडीएम से आप लोग भी संपर्क करें। ये बताइए, आप ब्लॉक प्रमुखी के लिए दावेदारी आपने की, लेकिन आज टिकट फाइनल हुआ है, टिकट आपका फाइनल हुआ है, ऐसे में आप किस तरह की रणनीति आपकी तरफ से तैयार की जाए?
देखिए हमारे प्रत्याशी संजू देवी के पक्ष में 500 बीजेपी से हैं और लोगों की इच्छा है चुनाव लड़ा जाए, कहीं ही हुआ कि चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी के हम आए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला है। फिर भी अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को ही प्रमाण पत्र दे दूंगा। जीतने के बाद यदि मेरे द्वारा समर्थित प्रत्याशी संजू देवी चुनाव जीतती हैं तो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी को वो प्रमाण समर्पित कर दूंगा, उन्हीं लोगों की जीत होगी। मेरे द्वारा जो भी विकास कार्य मंत्री ब्लॉक में कराया गया है, लोगों को विकास का मैंने काफी विकास कार्य कराया भी है और मुझे विश्वास है कि यह चुनाव हम लोगों द्वारा समर्थित प्रत्याशी संजू देवी जीत जाएंगे। डीएम सौम्या अग्रवाल ने इस मामले को लेकर बताया कि जिस किसी के द्वारा शिकायत आती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही होगी। चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और किसी पर कोई दबाव बनाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव को लेकर कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि बीडीसी के अपहरण कर लिए गए, तो कैसे सुरक्षा उनको दी जा रही है और कैसे ये माना जाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा? जो जहां पर भी शिकायतें आ रही हैं वहां पे जो पुलिस है वो पूर्ण रूप से सक्रिय है। कई थाना क्षेत्रों में बीडीसी सदस्यों को बुला करके मीटिंग भी कर ली गई थी पूर्व में कि अगर किसी को कोई भय है या अपहरण की शंका है तो आकर के बता सकता है, तो हम लोग उनको जो है सुरक्षा प्रदान करेंगे। पर इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ नहीं था। क्या तैयारी है 10 तारीख को वोटिंग करने? 10 तारीख को चुनाव कराने की सुरक्षा का जो है कड़ा इंतजाम किया जाएगा और जो आरओ हैं उनकी तैनाती हो गई है और देखरेख में पूरा निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। थैंक यू।